चलो 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 पैर भी फैले फैले हैं, लिम्पिंग तो बहुत ज़्यादा है। आ जाओ वापस आ जाओ। ठीक है एक राउंड और ले लो। आ जाइए ठीक है ठीक। क्या नाम है आपका? विपुल मोदी। विपुल मोदी अभी कहाँ पे पेन हो रहा है? पेन तो नहीं है, पेन ही है, एक डीकॉम्प्रेशन किया उधर, मतलब मैं कुछ मिर्ची लगा इतना चुपता है, रात को बहुत चुपता है, रात को बहुत चुपता है। देखा मैं 3 महीने से सोया ही नहीं ऐसा सभी। अच्छा अच्छा अभी कहाँ पे पेन हो रहा है जैसे चल रहा है? पेन में ऐसा कोई जगह मेरे को थोड़ा 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 ये सब जगह को होता है, थोड़ा थोड़ा इधर इधर है ना, कुछ चुपता ऐसा होता है। अच्छा अच्छा सब चुपता सा है इधर इधर। अच्छा नीचे साइड में। और दूसरे वाले पैर में? दूसरे वाले पैर में क्या मूवमेंट ही नहीं होता है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, खुल नहीं रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, तो अभी थोड़ा खराब, बाकी खड़ा भी नहीं रह सकता। अच्छा एक्सरसाइज कर रहे थे घर पे हमारा? हाँ घर में लास्ट 6-7 दिन से किया, उससे मेरे को 10% जैसा रिलीफ मिला। अच्छा 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 6-7 दिन से किया था। हाँ लास्ट क्योंकि वो कॉम्प्रेशन का 1.5 महीने बाद आप कुछ बोले थे ना। हाँ रेस्ट करना होता है, वो हील हो जाए उसके बाद। हाँ उसके लिए। चलो ठीक है अब देखते हैं 7 डेज में कितना होता है। आ जाओ आ जाओ। अब आ गया पैर सब नॉर्मल। अच्छा अच्छा और आ गया और आ गया और आ गया ठीक है। हाँ एक राउंड और। यस आ जाइए। वेरी गुड। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अच्छा है पहले से थोड़ा। पहले से अच्छा है क्या? थोड़ा फर्क था। ओके क्या क्या चीज़ों में फ़र्क दिखा? जैसे पहले एक्चुअली इधर थोड़ा साइड पेन हो रहा था दोनों साइड, वो पेन अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और पहले ये वाला पैर, राइट वाला पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता था, बहुत लोड पड़ता था, इसमें 25-30% जैसा इम्प्रूव हुआ है पहले से। ठीक है। रात को सोने में दर्द? नहीं पहले मैं करवा लेके बिल्कुल सो नहीं रहा, डर डर तो था ही नहीं, लेकिन करवा लेके बिल्कुल सो नहीं रहा था, अभी सो रहा हूँ थोड़ा। अब सो लेते हैं आराम से। तो ओवरऑल फीलिंग हैप्पी? हैप्पी है, पहले से थोड़ा हैप्पी हो गया। ठीक है ओके। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदानगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट है जो कि हमारे पास गुजरात से आए थे, इनको भी एवियन काफ़ी परेशान कर रहा था, काफ़ी पेन थे इनको। तो सबसे पहले इनका नाम विपुल मोदी जी है, तो विपुल मोदी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो कुछ बताइए आपको एवियन कब और कैसे हुआ और फिर आप मेरे पास तक कैसे आए और डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने क्या क्या बताया? एक्चुअली मेरे को अक्टूबर 2020 में कोविड हुआ था, बहुत सीवियर कोविड हुआ था। उसके लास्ट 14 जुलाई को मेरे को पहले पैर में यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हुआ। यूरिक एसिड से मैंने 2-3 डॉक्टर बदले, लेकिन धीरे धीरे उस दोनों पैर में आया। बाद में मैंने नज़दीक में बड़ौदा भरूच में दिखाया था 2-3 डॉक्टर, उसमें कुछ पता नहीं चल रहा था। बाद में मैंने हमारे नज़दीक में बड़ौदा पड़ रहा है, बड़ौदा में मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने तुरंत बोला कि एवियन है आपको, जो स्टीरोइड कोविड की वजह से हुआ है। तो बाद में मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, दोनों ने मेरे को रिप्लेसमेंट का ही बोला कि भाई आपका रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने पहले मेरे को बोला सेकंड स्टेज था एक पैर में, एक पैर में थर्ड स्टेज था। तो सेकंड स्टेज में ऐसा बोला कि आपका कोई डिकॉम्प्रेशन कर रहे थे उससे आपको लाइफ स्विंग थोड़ा मिल जाएगा, मतलब 50-60% जैसा कुछ दिन और चलेगा। हाँ आपका मतलब में चल जाएगा थोड़ा। तो मेरे को प्रॉब्लम इतना था कि मैंने करवा दिया एक पैर में, लेफ्ट पैर में मैंने कोई डिकॉम्प्रेशन करवा दिया था। ठीक है। और मेरे को बाद में मैं घर पे था तो मैंने सर का वीडियो सब देखा मैंने।
जिससे मेरे को पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है आयुर्वेदा में कि एवियन प्रॉब्लम अभी ज्यादा बढ़ गया है, मेरे को ऐसा वीडियो में सब पता चला थोड़ा ज्यादा। इसलिए मैंने दूसरे पैर में भी डॉक्टर बोला कि थर्ड से है लेकिन हम कोई डी कॉम्पेंस कर देते हैं, लेकिन मैंने करवाया नहीं क्योंकि मेरे को बाद में इसके ऊपर थोड़ा फोकस हुआ कि भाई ओरिजिनल है तो उसको थोड़ा ये ट्राई कर लेते हैं पहले, बाद में यही वो लास्ट तो वो यही। इसलिए मैं वीडियो देख के 2 महीने कॉम्प्रेशन के 2 महीने बाद मैं इधर ही सीधा आ गया। एक पैर में मेरे को ज्यादा तकलीफ थी राइट में, थर्ड स्टेज भी था और पैर मूवमेंट बहुत कम कर रहा था। मेरे को एक टाइम ऐसा था कि पकड़ के पूरा पैर हिलाना पड़ता था, पकड़ के ही साइड पे रखना पड़ता था। ठीक है, चलने में भी काफी सपोर्ट, चलने में भी बहुत मेरे को दिक्कत है, घर पे तो मैं वॉकर लेके ही चल रहा था। बाद में थोड़ा मैंने एक हफ्ते सर का एक्सरसाइज किया, उससे मेरे को थोड़ा 10% जैसा इम्प्रूव मिला और बाद में मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद मेरे को 7 दिन की थेरेपी से मेरा लिम्पिंग थोड़ा कम हुआ है और पहले से थोड़ा अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं डर भी बहुत गया था और मेरे को बहुत खराब विचार आ रहे थे कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत आ गया था और पूरा थोड़ा टाइम के लिए तो मैं डिप्रेशन में भी हो गया था, मेरे को बहुत टेंशन हो गया था कि अब मैं क्या करूंगा। सही क्या मेरा बिजनेस है इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या करेगा। अभी एज कितना है आपका? 34। 34 एज भी बहुत कम है अभी तो। हाँ वही, इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा हो गया था। लेकिन इधर आके थोड़ा 7 दिन के एक्सरसाइज थेरापी करने के बाद थोड़ा अभी बेटर, मतलब मैं अच्छा फीलिंग कर रहा हूँ और मेरे को लग रहा है कि भाई रिवर्स हो जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। यहाँ पे भी आप और पेशेंट से मिलते हैं, माहौल पूरा देखते हैं, समझते हैं। हाँ, और थोड़ा अभी थोड़ा माइंड में थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नेगेटिविटी खत्म होती है। हाँ, वो थोड़ा ज्यादा खत्म होता है। हाँ, और उससे देखिए नेगेटिविटी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है उसका खत्म होना, बिकॉज अगर नेगेटिविटी रहेगी माइंड में तो फिर आप अपनी बॉडी आपकी हील नहीं कर पाएगी। हाँ वही। तो जब यहाँ आते हैं यहाँ पे और भी एवियन के पेशेंट्स को देखते हैं, अपने से ज्यादा खराब एवियन के पेशेंट को देखते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके और जो लोगों के विचार सुनते हैं कि जिन्होंने ऑपरेशन कराया उनके क्या हाल चाल है, पेशेंट सब पेशेंट आपस में शेयर करते हैं, वो रिसर्च है, करते वो हैं। तो उससे भी काफी कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप आगे कैसे चलना है आपको और क्या रास्ता है, नहीं तो घर में अकेले आदमी काफी परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो गया था। तो विपुल जी तो बताइए और भी जो एवियन के जो पेशेंट है, खासतौर से यंगस्टर्स जो कम उम्र के लोग हैं। मैं तो ऐसा बता रहा हूँ कि पहले आपको जांच हो कि भाई एवी है तो थोड़ा ये ट्राई कर देना चाहिए स्टार्टिंग में, तो क्योंकि मैंने तो एक पैर में कोरी कॉम्प्रेशन करा है कि बाद मैंने थोड़ा सर्च किया तब पता मेरे को थोड़ा चला, बाकी मैं करा था ही नहीं, मेरे को जो पहले थोड़ा पता चलता तो कि भाई ऐसा कुछ होता है। सही बात। इसलिए मतलब मैं पहले उस कुछ कराने से पहले इधर आके थोड़ा मूवमेंट मिल जाता है, वो बात तो सही है कि पहले से थोड़ा मूवमेंट हो जाता है दोनों पैर में, मूवमेंट खुल जाता है। हाँ, मूवमेंट खुल जाता है, इजी हो जाता है। हाँ, इजी हो जाता है, काफी बेटर हो गए और जिसको कुछ अगर बचता है वो हमारे पास थेरेपी करा के और बेटर हो जाता है। थेरेपी से थोड़ा मतलब फायदा तो हो ही जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर विपुल मोदी जी जो कि गुजरात से थे। तो मोदी जी थोड़ा सा आप इसको गुजराती लैंग्वेज में भी समझाइए, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो गुजरात के उसको उनको जरूर पता चलना चाहिए। आपने एवियन थयो तो पहला आपने क्या बताऊँ जो है पन कशु सर्जरी पर तरफ जता पहला आपने आ रीतना कहीं आयुर्वेद में तपास कर आग वस्तु करी जाए तेना घो फायदो थे। मैंने अत्यारे मारी जो प्रमाण सीच्युएशन थी प्रमाण अत्य मैंने 25-30% जितलू इम्प्रूव तो लगे है, ને ઘરે મને બીજું આવી જશે એક્સરસાઇઝ કરતા તે મને થોડો વિશ્વાસ છે કે આવી જ જશે। એટલે મારા ગુજરાતી ભાઈઓને એવું જણાવવાનું કે એવિયન થયું હોય તો પહેલાં ટોટલી રિપ્લેસમેન્ટ તરફ નહીં જવું જોઈએ યા કોઈ બી સર્જરી તરફ નહીં જવું જોઈએ, પહેલાં જ આપણે આવીને કોઈ તપાસ કરીને અહીંયા ઘરે આવીને આપણે આ થેરાપી કરાવવી જોઈએ જેનાથી આપણને ઘણો ફાયદો થાય છે, જેથી કે આપણા ઓરિજિનલ પાર્ટ્સ પણ આપણા બોડીને બચી શકે ને પ્લસ આપણને થોડું સર્જરી તરફ ના જઈ શકીએ પ્લસ ડિપ્રેશનમાં ના આવી શકીએ, થોડું માહોલ પણ એવું હોય છે કે આપણે થોડા ડિપ્રેશનમાંથી નીકળી શકીએ જલ્દી, ને થોડી આપણને હિંમત જેવું આવી જાય કે ભાઈ આપણે સારા થઈ શકીશું હવે ઊભા થઈ શકીશું ને પોતાનું વર્ક આપણે જાતે કરી શકીએ છીએ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितना मुझे अभी गुजराती में समझ में आया कि घणो फायदो होवे मतलब होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। आप सभी पेशेंट्स जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं
आप कभी भी जाएंगे, खासतौर से बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है और जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो HODs होते हैं, वो आपको यही सलाह देंगे कि जितना मैक्सिमम चला सकते हो चलाओ। वो लोग पहले वही बोलते हैं कि आप प्राइवेट में किसी को दिखाओगे वो तो कहेंगे तुरंत आओ अभी ऑपरेशन कर देते, अभी काट देते हैं, सही कर देते हैं। इवन आप सेकंड ग्रेड में भी चले जाओगे तो तुरंत आज के आज ही ऑपरेशन करा दो। बट हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाओगे तो जेन्युइन जो डॉक्टर है, जिनको किसी तरह का पैसे का मोह नहीं है, वो ये कहेंगे कि आप इसको मैक्सिमम जितना चला सकते हो चलाओ। तो वो कौन बताएगा कैसे चलाना है, क्या करना है, है ना? तो वही सब चीज़ हम लोग बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज करके, डाइट एंड प्रिकॉशंस रख के आपको अपने इस हिप जॉइंट को मैक्सिमम आगे तक चलाना है। यही एक्सरसाइज करते रहोगे तो अच्छे चलेगा, मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगी, तो उसमें लोड कम पड़ेगा तो हिप जॉइंट डैमेज कम होगा। प्रिकॉशंस का फॉलो करोगे तो भी हिप जॉइंट कम डैमेज होगा, और डाइट का प्रॉपर फॉलो करोगे तो पेन कम होगा। बस यही सब चीज़ मैं सिखाता हूँ आप लोग को, और आप सब चीज़ों को, आप सब लोगों को इन सब चीज़ों का प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। तो आप सभी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, सो दैट डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रिकॉशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलता रहे, इवेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और हमारे लेटेस्ट कैंप के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता रहे कि हम कहाँ पर अवेलेबल हैं, किस सिटी में है, और आपको कहाँ पर ईजी पड़ेगा अपना ट्रीटमेंट कराना। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। पैर भी फैले फैले हैं, लिम्पिंग तो बहुत ज्यादा है। आ जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है, एक राउंड और ले लो। आ जाइए, ठीक है ठीक। क्या नाम है आपका? विपुल मोदी। विपुल मोदी, अभी कहाँ पे पेन हो रहा है? पेन तो नहीं है, पेन ही है, रिकॉम्पेंसेशन किया उधर, मतलब मैं कुछ मिर्ची लगा, इतना चुपता है, रात को बहुत चुपता है, रात को बहुत चुपता है, करवट देकर 3 महीने से सोया ही नहीं ऐसा सभी। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ पे पेन हो रहा है, जैसे चल रहा है? पेन में ऐसा कोई जगह मेरे को थोड़ा 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 ये सब जगहों को होता है, थोड़ा थोड़ा इधर 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 है ना, कुछ चुपता ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, सब चुपता सा है इधर इधर। अच्छा, नीचे साइड में। और दूसरे वाले पैर में? दूसरे वाले पैर में क्या, मूवमेंट ही नहीं होता है, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा, खुल नहीं रहा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, तो अभी थोड़ा खराब, बाकी खड़ा भी नहीं रह सकता। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे थे घर पे हमारा? हाँ, घर में लास्ट 6-7 दिन से किया, उससे मेरे को 10% जैसा रिलीफ मिला। अच्छा अच्छा अच्छा, 6-7 दिन से किया था। हाँ, लास्ट, क्योंकि वो कॉम्प्रेशन का 1.5 महीने बाद आप कुछ बोले थे ना, हाँ, रेस्ट करना होता है, हाँ, वो हील हो जाए उसके बाद, हाँ, उसके लिए। चलो ठीक है ठीक है, अब देखते हैं 7 डेज में कितना होता है। आ जाओ आ जाओ, अब आ गया पैर सब नॉर्मल। अच्छा अच्छा, और आ गया, और आ गया, और आ गया, ठीक है। हाँ, एक राउंड और। यस, आ जाइए। वेरी गुड। सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अच्छा है, पहले से तो थोड़ा, पहले से अच्छा है, पहले से थोड़ा फर्क था। ओके, क्या क्या चीज़ों में फर्क दिखा? जैसे पहले एक्चुअली इधर थोड़ा साइड पेन हो रहा था, दोनों साइड, वो पेन अभी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और पहले ये वाला पैर, राइट वाला पैर बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता था, बहुत लोड पड़ता था, उसमें 25-30% जैसा इम्प्रूव हुआ है पहले से, ठीक है। रात को सोने में दर्द नहीं? पहले मैं करवा लेके बिल्कुल सो नहीं रहा, डर डर तो था ही नहीं, लेकिन करवा लेके बिल्कुल सो नहीं रहा था, अभी सो रहा हूँ थोड़ा। अब सो लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल फीलिंग हैप्पी?
हैप्पी है, पहले से थोड़ा हैप्पी हो गया। ठीक है, ओके।